हेलो दोस्तों, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, हमारा एवरेज ख़त्म हो चुका है, उसका कॉन्सेप्ट भी हो गया और हमने कल क्वेश्चंस भी उसके सारे कर लिए। तो मैं होप करता हूं कि आपका एवरेज अब क्लियर है और उससे अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस आएगा तो आप उसे मिस नहीं करेंगे। तो आज जो है हम अगले चैप्टर्स की तरफ चलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उस चैप्टर को लेकर नहीं बल्कि आपको आने वाले हर एक चैप्टर में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप इसे जो है ध्यान से पढ़ें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है परसेंटेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो परसेंटेज जब हम बोलते हैं तो प्रतिशत जो इसका हिंदी मीनिंग है या इंग्लिश में परसेंटेज जो है, आप देखिए इसमें क्या है, पर और सेंट, यानी पर हंड्रेड हिंदी में भी बोलते हैं प्रति सत, सत मतलब सौ, तो प्रत्येक सौ में। अभी देखिए, आप डेली लाइफ में भी अपने सुनते होंगे कि कोई बोलता है कि चलो मैं 5% ब्याज पे लोन ले रहा हूँ, कोई बोलता है मैं 10% पे ये कर रहा हूँ, इसका यार मुझे 10% डिस्काउंट मिला है, मुझे 20% डिस्काउंट मिला है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये परसेंट अपने डेली लाइफ में सुनते ही होंगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है सौ में। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे 5% इंटरेस्ट देना होगा, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये का में जो है 5 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से परसेंटेज का मतलब हुआ। देखिए, ए डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज पावर ऑफ 10, आई 10, 100 and 1000। हम जानते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन में क्या था कि डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो अगर 10 का पावर या 10 हो तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होता था। लेकिन अगर डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर 100 हो तो उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज। सिंपल सा बात है कि अगर बाय डिनोमिनेटर में 100 है तो वह परसेंटेज होगा, ठीक है, क्योंकि परसेंट मतलब प्रत्येक 100 में। तो अब देखिए, अगर बोला जाए 15% एंड 15/100 क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि 15% जो है नथिंग बट 15/100, क्योंकि अभी मैंने बोला कि 100 मतलब क्या होता है, पर प्रत्येक 100 में, यानी अगर डिनोमिनेटर 100 हो तो इसका मतलब सेम है। अब देखिए, अगर बोला जाए 13 इज इक्वल्स टू, मतलब अगर 13% को अगर लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1300/100, एक ही बात है, ये आपका 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1300%, है ना। या 3/5 को अगर 100 में चेंज करना है वो कहा जाए तो क्या कर सकते हैं हम, 3/5 ओके इंटू 100, क्योंकि यहाँ जो है आप देखिए फ्रैक्शन को जब हम परसेंट में बदलते हैं ना तो वहाँ कुछ रूल्स होते हैं। अभी देखिए 3/5 का क्या मतलब हुआ, 5 में 3, तो हमको निकालना क्या होता है 100, तो अगर 5 में हो गया 3 तो 100 में क्या होगा, 3/5 into 100, राइट। 3 अगर 5 में ये 3 है तो 100 में कितना होगा, इंटू 100, दैट इज़ 520, 23 60% उसी तरह अगला निकाला गया। अभी देखिए इसका अल्टरनेट, अगर कहा जाए एक्स परसेंट ऑफ ए नंबर वाई, अगर किसी नंबर का एक्स परसेंट निकालने बोला जाए तो वो क्या होता है, एक्स इंटू वाई बाय 100, ठीक है। तो ये जैसे कि अगर बोला जाए 16 2/3% ऑफ 300 क्या होगा, तो क्या बताया मैंने, दोनों को इंटू कर देंगे और एक्स का सिंपल मीनिंग परसेंटेज अगर हो ना तो सिंपल मीनिंग है कि बाय 100। तो यहाँ अगर एक्स ऑफ नंबर वाई है यानी एक्स इंटू वाई और परसेंटेज था तो उसके जगह डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, डेट इज़ ये। उसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ क्या आया आंसर, 50। चलिए, अब है कन्वर्जन फ्रॉम ए फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। देखिए, फ्रैक्शन को अगर परसेंट में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना जैसे हमने पहले देखा, क्योंकि हमको 100 में निकालना है और फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में अंतर क्या होता है। देखिए, अगर बोला जाए 5/10 तो इसका क्या मतलब है कि 10 में जो है वो कितना है, 5 है, तो 100 में क्या,
तो इंटू 100। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के यहाँ ये ट्रिक बताया गया है कि अगर परसेंटेज, अगर फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना हो तो सिंपल इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका फ्रैक्शन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका रिवर्स होता है, अगर परसेंटेज को हमको बोला जाए कि हमको बदलना है फ्रैक्शन में, तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया बाय 100 कर दीजिए, यानी कुछ भी परसेंटेज दिया हो तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो है 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो हो जाता है उसका क्या परसेंटेज फ्रैक्शन। तो बस हमने वही किया, 60% बोला गया तो 60/100, सॉरी यहाँ 40 मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 60 होगा, 60/100 तो डेट इज 0.6, उसी तरह 65% तो 65/100 डेट इज 0.65। इस टाइप से जो है हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होगा। आगे चलते हैं, अब देखिए परसेंटेज का जो है आपका क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आप एक तो ये जो सिंपल मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में आपको बताया तो उस टाइप से कर सकते हैं। अब जो है ना कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसको याद करने से क्या होगा ना कि आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इफ़ ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10, अगर किसी नंबर को 10% इंक्रीज करेंगे तो वह हो जाता है अपना 1.1 टाइम्स इट्सेल्फ। क्योंकि देखिए अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे ना तो भी वो 1.1 ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर बोला हमारे पास 10 है, बोला गया इसका 10%, तो 10% कैसे निकालेंगे, 10 × 10/100 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो टोटल कितना हो गया 10, और अभी वो 10% बढ़ा है यानी 1 दैट इज 11 आया। अब देखिए यहाँ मैंने आपको जो ट्रिक दिया है वो ट्रिक बोल रहा है कि अगर किसी में जो है परसेंटेज इंक्रीज किया जाए 10% तो वो 1.1 के बराबर होता है। तो अब देखिए 10 का 1.1 निकालेंगे अगर हम, तो क्या होगा 1.1 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, वह जो है आपका बराबर, देखिए 10 का अगर 1.1 निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1.1 × 10 डेट इज़ 1.1 × 10 इट इज़ 11। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो सिंपल सा है मेथड कि आपको 10% अगर किसी का बोला जाए इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा, 1.1 टाइम्स हो जाएगा अपना ही, जैसा कि अभी हमने देखा, समझ में आया 1.1 टाइम्स। अगर 30% बोला जाए तो 1.3 टाइम्स, 40% बोला जाए 1.4 टाइम्स। तो इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। अगर डिक्रीज बोला जाए तो यहाँ पे क्या किया था, 1.1 किया था, वहाँ 0.9 हो जाएगा, 30 बोला जाए 0.17, बाकी आपका प्रोसेस सेम रहेगा, ओके। चलिए अब है दूसरा जो कंसेप्ट है उसमें क्या है, यानी अब हम दूसरा ट्रिक्स को देखेंगे। अगर पंकज की सैलरी R% मोर देन रोहन सैलरी, अगर पंकज का सैलरी रोहन के सैलरी से कुछ परसेंट अलग है तो रोहन का सैलरी जो है वो पंकज का सैलरी से कितना कम है, ठीक है। अगर पंकज का सैलरी रोहन से 8% अधिक है तो पंकज का कितना कम है, तो आप ये नहीं बोलेंगे अगर उसका 8% अधिक है तो ये इसका 8% कम होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है, 100 × R / 100+R, अगर आप इसको वैसे करने जाएंगे ना तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। कैसे, पहले आप निकालेंगे कि पंकज का सैलरी जो है रोहन का सैलरी से 8% अधिक है, यानी मान लीजिए जो भी इसका सैलरी है उसका परसेंटेज निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पंकज रोहन का सैलरी हो जाएगा। अब रोहन का सैलरी कितना अधिक है तो क्या करेंगे, उसमें से उसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, फिर बाय पंकज का सैलरी करेंगे, इंटू 100 करेंगे, वो आपका होगा। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप इस ट्रिक पे उसको पुट करेंगे और जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएगा। तो देखिए ये जो ट्रिक अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिखेंगे और याद करेंगे, उसके बाद जब मैं कल इसी का क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तब आप देखेंगे इसका वो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ और हमारा बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस जो हमको लेंदी लग रहा है वो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये समझ में आया कि अगर किसी का सैलरी किसी से 8% अधिक है तो दूसरा जो है इससे कितना कम है, ठीक है। चलिए अब है दूसरा इनकम से रिलेटेड, तो यहाँ क्या, अगर पीज इनकम इज़ 8% लेस देन क्यू, वहाँ पे मोर था यहाँ पे लेस है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो प्लस था उसको माइनस कर देना होगा, वेरी इजी, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंक्रीज में प्लस डिक्रीज में माइनस, ओके। चलिए अब है गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन दैट कॉन्स्टेंट, अगर इन कॉन्स्टेंट में अगर ऊपर जो हमने देखा है उसका कॉन्स्टेंट में हम देखें तो अब क्या है, कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट रूल है, जैसे इफ़ ए इज 16
टू बाई थ्री मिक्स फ्रैक्शन है। देखिए ये जो है ना ये 16 टू बाई थ्री, यानी 16 थ्री या 48 और 2 यानी 50 बाई थ्री। ठीक है, फ्रैक्शन में मैंने सिखाया था आपको कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो b से a का क्या है, इतना परसेंट कम है, 50 बाई 3% कम है। देन b इज़ 20% मोर देन ए, तो b कितना ज़्यादा होगा, 20% होगा। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर a 20% b से कम होगा तो b क्या होगा, 20% मोर देन ए। इफ़ a 20% लेस देन b, देन b जो है 33 1/3 मोर देन a। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसको आप डायरेक्ट याद कर लें कि इतना अगर कम होगा b से तो b कितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा। तो ये कुछ अगर आपको याद रहेगा ना तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके उस क्वेश्चन से जो है तुरंत जो है आप उसको सॉल्व करके आगे निकल पाएंगे, टाइम सेविंग है। ट्रिक्स देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना तो ट्रिक हमारा क्या यूज़ करता है, आपका कॉन्सेप्ट तो है, आपको समझ में आई है क्या चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास ट्रिक है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन पहले कर पाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं सेक्शंस, दैट इज एच जो है, अब एच नंबर जो हमारा रूल्स है वो है इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द सेम एज सेम परसेंटेज। तो देखिए अगर आर परसेंट ही इंक्रीज हुआ हो और आर परसेंट ही डिक्रीज हुआ हो, ठीक है, तो देन इन टोटल, तो टोटल जो होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर बाय 100, वो क्या हो जाएगा आपको आर स्क्वायर बाई 100 होगा, वही जो है टोटल डिक्रीज या इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाई आर परसेंट एंड देन इट इज डिक्रीज बाई आर परसेंट, देन इन टोटल देयर विल बी डिक्रीज, तो वह क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। अगर आर परसेंट इंक्रीज हो रहा है और देन आर परसेंट डिक्रीज कर रहे हैं तो टोटल जो होगा वो डिक्रीज ही हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर बाई 100। ओके, अब देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय डिफरेंट परसेंटेज, अगर अलग अलग परसेंटेज में होगा ना तो वह सिंपल सा होगा एक्स वाई बाई 100, यानी दोनों को हम दोनों ही केस में जो हमारा परसेंटेज जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसको हम इनटू कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डिवाइड बाय 100 कर दे रहे हैं, तो यह टोटल क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ऐड करना होगा कि इसमें एक्स और वाई को ऐड करना होगा, प्लस एक्स वाई बाई 100। फॉर्मूला में थोड़ा चेंजिंग है, यहाँ है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये आपको ओवरऑल इंक्रीज पता चलेगा, होगा तो इंक्रीज ही लेकिन ओवरऑल इंक्रीज पता चलेगा आपको कि ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपका हो जाता है लास्ट इस सेक्शंस का जो फॉर्मूला है वो है कंपाउंड ग्रोथ। देखिए कंपाउंड ग्रोथ से ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो आपका बढ़ रहा है ना वो कैसे बढ़ेगा, ये देखिए अगर आज 10 है, ठीक है, उसका मान लीजिए 10% है, ठीक है, तो क्या होगा, दैट इज 11 होगा, हमने देखा है अभी 11 होगा। अब जो अगला साल जो 10 नेक्स्ट बार जो ये 10% लगेगा ना वो इस पे नहीं लगेगा, वो इस 11 पे लगेगा, मतलब कि जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है ना वो नेक्स्ट टाइम के लिए, कंपाउंड ग्रोथ क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल के लिए। तो ये जो इंक्रीज या डिक्रीज है ना वो क्या होगा, टोटल पे होगा, मतलब अब जो फर्स्ट ईयर में जो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वही उस पे जो है नेक्स्ट ईयर का आपको परसेंटेज लगेगा। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और इजी समझ में आएगा। यहाँ एक तरह का एग्जांपल देखिए, अगर पी इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पी क्या है, किसी देश का जनसंख्या है, एंड इट ग्रोज आर परसेंट पर एनम, पर एनम का मतलब क्या होता है, हर साल, हर एक साल अगर आर परसेंट बढ़ रहा है तो देन पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स विल बी, तो एन ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो देखिए जो 10% बढ़ रहा है ना, तो अब इस साल 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ने के बाद वो कितना हुआ उसको कैलकुलेट कीजिए। तो अब जो नेक्स्ट ईयर जो ये आर परसेंट बढ़ेगा ना वो ये टोटल सम पे बढ़ेगा, क्योंकि इतना तो हम बढ़ गया है, अब तो इसका 10% बढ़ेगा ना, तो इस तरह से हमको करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू पी इंटू 100 प्लस आर बाई 100 इंटू एन टू डी पावर n होता है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह इस फॉर्मूला से जो है आप इजी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट के मामले में और ट्रिक के मामले में परसेंटेज में इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये सारा अगर आप ग्रैस्प कर जाते हो, ईजिली कर जाते हो, तो आप आराम से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और आगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये सब चैप्टर्स आएंगे ना तो इसमें परसेंटेज का अहम रोल है, तो वो आपको समझना होगा और इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छे से इसको कर लेना है। जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इससे एक दो क्वेश्चन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और आप जो है साथ ही साथ
करेंट अफेयर्स के क्लास को और हिस्ट्री के क्लास को भी सीरियसली लेंगे, अच्छे से करेंगे। सारा वीडियोज़ आज आपके अपलोड हो जाएंगे, तो अच्छे से जो है आप उसको करिए, फोकस करके पढ़ाई कीजिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।